नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम ऑटिस्टिक बच्चों में खाना खाने की समस्या के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को खाना खिलाते समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जो उनके माता पिता के लिए बड़ी चुनौती होती है। ये बच्चे अपनी पसंद का भोजन ही करना पसंद करते हैं और अक्सर नखरे करते हैं। हम देखते हैं कि दिन भर में वे सिर्फ चुनिंदा चीजों को ही खाना पीना चाहते हैं, जो आमतौर पर चिपचिपी और मीठी होती हैं। आइए देखें कि इन आहार संबंधी परेशानियों के क्या कारण हैं या क्या कारण हो सकते हैं और हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में आहार लेने की समस्या सेंसरी मोटर मुद्दों या व्यवहार संबंधी समस्याओं या पर्यावरणीय समस्याओं के कारण हो सकती है। आइए प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानें। सेंसरी मोटर मुद्दे सेंसरी मोटर के कारण हो सकते हैं। ओरल मोटर का मतलब जबड़े का चलना, जीभ की संरचना, इनके चलने में सामंजस्य इत्यादि। ओरल सेंसरी का मतलब आपके तंतु इंद्रियों से कैसे लेते हैं, जैसे स्वाद, भोजन की महक, भोजन का स्वरूप इत्यादि ओरल सेंसरी भाग के अंतर्गत आते हैं। ओरल सेंसरी का पूरे शरीर पर प्रभाव हो सकता है और ये ओरल सेंसरी मोटर मुद्दे तंत्रिका तंत्र के कारण होते हैं। आप जानते हैं कि ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो न्यूरोलॉजिकल समस्या भी हो सकती है, जो इन ओरल सेंसरी मोटर कारणों को भी जन्म दे सकती है। हमें बच्चों के खाने के तरीके के बारे में भी पता होना चाहिए। बच्चे खाना खाने में एक निश्चित तरीके से बढ़ते हैं, जैसे वे स्तनपान के बाद प्यूरी, फिर कुछ ठोस आहार और फिर पूर्ण आहार आदि लेते हैं। यह एक निश्चित सेंसिटिविटी अंतराल है, जहां वे एक भोजन से दूसरा भोजन लेना शुरू करते हैं। इसीलिए यदि हम बहुत जल्दी बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं या लंबे अंतराल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये दोनों ही ओरल सेंसरी मोटर समस्या का कारण बन सकते हैं। अब आइए ऑटिस्टिक बच्चों के संवेदी तौर तरीकों के कारणों को विस्तार से देखें। कभी कभी वे ऐसे फीके खाद्य पदार्थ पसंद नहीं करते, जो देखने में उनके लिए बहुत आकर्षक नहीं होते हैं। पहले हम उनके अतीत को समझें, जब वे स्वाद को ज्यादा नहीं समझते थे, जैसे कि वे किसी विशिष्ट स्वाद को बहुत पसंद करते हैं या उन्हें कुछ स्वाद के मिश्रण पसंद नहीं आते। अगला, दृष्टि। वे रंग बिरंगे और ढंग से प्रस्तुत भोजन को पसंद करते हैं, जैसे टेबल पर सजाया हुआ खाना। खाद्य पदार्थों के आकार भी इन बच्चों को विचलित करते हैं। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे आमतौर पर खाने योग्य या अखाद्य पदार्थों को सूंघते हैं। इन बच्चों में उन सभी चीजों को सूंघने की प्रवृत्ति होती है, जिन्हें वे अपने हाथों में लेते हैं, इसीलिए वे खाने के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई एक गंध बहुत पसंद आए या फिर बिल्कुल भी पसंद ना आए और वे उसे खाने से बिल्कुल मना कर दें। ऐसा ही खाने को छूते समय भी होता है। कुछ बच्चे खाने को छूना पसंद करते हैं, कुछ उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। चिपचिपा खाना या आंशिक रूप वाले ठोस आहार को रगड़कर अपने शरीर पर लगा लेते हैं या फिर उसके साथ लगातार खेलते हैं। लेकिन कुछ मामलों में बच्चे को खाना छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वह चिपचिपा हो तो हो सकता है कि वे उसे छूकर बर्दाश्त न कर पाने के कारण वहीं गिरा दें। यह उनकी ओरल डिफेंसिवनेस है, जो कि फोर्स्ड फीडिंग जबरदस्ती खिलाना का एक परिणाम हो सकती है। वे बिल्कुल पसंद नहीं करते कि भोजन उनके होठों को छुए, जो कि उनका ओरल एरिया है। वे जब ऐसा करने से बचते हैं तो स्टील के चम्मच आदि इन बच्चों के लिए बर्दाश्त से बाहर होंगे और हो सकता है इस कारण भोजन को लंबे समय तक निगले बिना वे उसे अपने मुंह में रखे रहें, जिससे उन्हें अपना मुंह भरा हुआ लगता रहे। प्रोप्रियोसेप्शन मूवमेंट मतलब जिस तरह से आपका जबड़ा और जीभ चलते हैं। आप खाना खा रहे हैं और उसे आपको अपने मुंह में डालना है। आप जानते हैं कि आपको कितना मुंह खोलना है, जिससे खाना चबाने में आसानी हो। ये सारी जागरूकता प्रोप्रियोसेप्शन से आती है। ऑटिस्टिक बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इंट्रोसेप्शन आपकी आंतरिक भावना की तरह है, जैसे अगर आपके पेट में या दांत में दर्द होता है तो आपका भोजन करने का मन नहीं करता। इस तरह ऑटिस्टिक बच्चे, विशेष रूप से वे जो बोल नहीं पाते, वे अपने भीतर होने वाली क्रियाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। वे भोजन के समय से बचते हैं। कभी कभी उन्हें उनके गले से पानी उतरना भी परेशान करता है।
और उस दौरान वे पानी पीने से भी परहेज करते हैं। आपने ऑटिज्म से ग्रसित बहुत से बच्चों में देखा होगा जो इसी कारण से पानी पीने से बचते हैं। वेस्टिबुलर का अर्थ है गतिविधि करने में आनंद, सही मुद्रा न बना पाना। यह ऑटिस्टिक बच्चों में भी होता है क्योंकि उन्हें वेस्टिबुलर समस्या हो सकती है। वे सही मुद्रा नहीं बना पाते और किसी सहारे से ही मुद्रा बना पाते हैं। सही मुद्रा बनने पर वे भोजन के समय का बेहतर तरीके से आनंद ले पाते हैं। ऑडिटरी, सुनना भी बहुत सी समस्याओं का कारण हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे चम्मच और प्लेट जैसी कुछ आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते जो उन्हें परेशान करती हैं, खासकर जब वे किचन के आसपास या कहीं ऐसी जगह बैठे हों जहां आवाजें हों। ये सब तनाव पैदा कर सकते हैं, यहां तक कि चबाने की आवाज भी। हम जानते हैं कि जब हम अलग अलग तरह का खाना चबाते हैं तब अलग अलग तरह की आवाजें निकलती हैं। इन बच्चों के लिए यह बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो सकता है। मसल टोन, प्रभावित मांसपेशियों के कारण भी अधिकांश ऑटिस्टिक बच्चे हाइपोटोनिक हो सकते हैं। इसी कारण वे ठीक प्रकार से मुद्रा नहीं बना पाते हैं। वे अपने हाथ को मुंह के पास या चम्मच को मुंह के पास नहीं ला पाते। उनके लिए हिलना डुलना, यहाँ तक कि मुंह बंद करना भी कठिन हो सकता है। यह सब प्रभावित मांसपेशियों के कारण होता है। तो आइए देखें कि हम इन समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं। कम संवेदनशीलता, अगर बच्चे में संवेदनशीलता कम है, अखाद्य के अंतर ग्रहण के लिए निगरानी करें। उसे जो कुछ भी मिलेगा वह उसे मुंह में भर लेगा, यहाँ तक कि वे गंभीर परिस्थितियों में विभिन्न अखाद्य चीजों को काटने की कोशिश करेंगे, जहाँ आपको बहुत सावधान रहना होगा और आपको उनके चबाने की जरूरत को किसी ऐसी चीज से बदलना होगा जो स्वीकार्य हो। हम उन्हें गाजर के कुछ कुरकुरे टुकड़े या चबाने वाली ट्यूब आदि दे सकते हैं जो चबाने के लिए उपलब्ध है। इसीलिए अच्छा होगा कि वह इसे भोजन के समय के अलावा करें। आप च्यूई ट्यूब या उस तरह की किसी चीज पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि गैर भोजन के समय में भोजन देना उनमें गलत समय पर खाने की आदत डालेगा। यदि आपका बच्चा अलग अलग स्वाद पसंद करता है तो आप उसके भोजन में कुछ अतिरिक्त मसाले मिला सकते हैं, ताकि वह उन मसालों को चखते समय भोजन का अधिक आनंद दे सके। मूव एंड सिट कुशन उन बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्हें वेस्टिबुलर की समस्या है, जिन्हें बैठने में कठिनाई होती है। इससे वे अपने हिलने डुलने का भी अनुभव कर सकेंगे। वे अपने भोजन के समय का भी आनंद लेंगे। और यदि बच्चे में अति संवेदनशीलता है तो उन्हें डीप टच प्रेशर और प्रोपियोसेप्टिव प्रग्राही गतिविधियां की आवश्यकता होगी। आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से विस्तार से बात कर सकते हैं कि आपके बच्चे का व्यक्तिगत उपचार क्या है जिसे व्यक्तिगत तौर पर दिया जाना चाहिए, और आप पता लगा सकते हैं कि आपने अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा अभ्यास क्या किया है। और वो अगर आप खाने के समय से पहले उसे दे रहे हैं तो वह अपने भोजन के समय का आनंद ले सकेगा। अगर बच्चा गंध और स्वाद के प्रति बहुत संवेदनशील है, यानी कि सेंसिटिव है, तो वह बिना किसी दाल सब्जी के चावल खाना पसंद कर सकता है, तो आप उसे दे सकते हैं। आपको बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है, जैसे कि आपके बच्चे को उस तरह से भोजन करना है जिस तरह से आप जोर दे रहे हैं, यानी उसे चावल के साथ दाल मिलानी पड़ेगी और बीच बीच में सब्जी भी खानी होगी। यदि उसके पास सामाजिक रूप से स्वीकृत और अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले आधार हैं, तो वह जिस प्रकार से अपना भोजन करता है उसे अपनी पसंद से करने दें। आप दाल को अलग और मसाले को अलग से दे सकते हैं ताकि वह अपनी पसंद के अनुसार खा सके। आप खाने में प्रयुक्त रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि उसके पास अधिक विजुअल सीकिंग दृश्य चाहने वाला व्यवहार है, तो वह अपने भोजन में बहुत सारे रंग देखना चाहेगा। बहुत चटक रंग का भोजन बच्चे को अधिक आकर्षित करता है। आप प्राकृतिक खाद्य पदार्थों या रंगीन सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं, और आप विभिन्न बुनावट के प्रति अपने बच्चे की प्रतिक्रियाएं भी देख सकते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ बच्चे वर्णों की बनावट वाले खाने से अधिक परिचित होते हैं और कुछ नरम बनावट के साथ अधिक सहज होते हैं। तो इस मामले में आपको अपनी फीड थेरेपी टीम से बात करनी होगी और पता लगाना होगा कि आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं और अपने बच्चे के भोजन के तरीके को सामान्य कैसे कर सकते हैं। जब आप कोई नया भोजन पेश करते हैं तो आप उसे अचानक नहीं लेते हैं और ना ही अपने बच्चे को उस भोजन के लिए आग्रह करते हैं। उसे उस विशेष भोजन के साथ तालमेल बिठाने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। आप इसे बहुत ही धीमी धीमी सीढ़ी दर सीढ़ी कर सकते हैं, जैसे आप उसे भोजन के समय के बाहर दे सकते हैं और इसे
खेल बना सकते हैं। स्वाद का खेलते हुए या पसंदीदा गुड़िया को खिलाते खिलाते उस समय बच्चे को भोजन सूंघने और छूने के लिए मिलता है। धीरे धीरे कदमों से बच्चा आता है, भोजन को देखता है, धीरे धीरे भोजन को पकड़ता है और फिर अपने मुंह में छोटे छोटे टुकड़े डालता है और धीरे धीरे खाने लगता है जो वह पहले नहीं खाता था। यह बहुत धीमी गति और नियोजित तरीके से होना चाहिए। फिर मुंह और जबड़े की स्थिरता विकसित करें, जिसके लिए ठीक ताकत होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी फीडिंग थेरेपी टीम से बात कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस संबंध में आपके बच्चे को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसे कौन से व्यायाम करना है। आप एक नैपकिन का भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भोजन को छूते ही अपने हाथ में लपेट लेते हैं। वे अपना हाथ अपने कपड़ों पर, मेज पर या कहीं और रगड़ते हैं। आप उन्हें इसके बारे में सिखा सकते हैं। उन्हें एक रुमाल दे सकते हैं और उन्हें रुमाल पर अपना हाथ पोंछने को कह सकते हैं। अनुकूलित कटलरी और क्रॉकरी भी आपके बच्चे के लिए अधिक उपयुक्त है। आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फीडिंग थेरेपिस्ट से यह पता लगाने में मदद ले सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, और साथ ही आपको पर्यावरण बदलने की आवश्यकता होगी। कभी कभी आपका बच्चा कम रोशनी में भोजन करके खुश हो सकता है और कभी कभी उसे बहुत हल्का संगीत सुनने में दिलचस्पी होती है, और इसीलिए इसके लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से भी चर्चा कर सकते हैं। आपके बच्चे के लिए जमीनी स्तर पर जो अच्छा और आवश्यक हो उनकी व्यवस्था करें, ताकि आपका बच्चा हर भोजन का आनंद ले सके। यदि आपके बच्चे को श्रवण कठिनाई बहुत अधिक हो रही है तो आप शांत कमरे से शुरुआत कर सकते हैं। एक शांत कमरे में इस भोजन योजना को शुरू करना अच्छा है, लेकिन आपको धीरे धीरे समूह निर्धारण में जाना होगा, क्योंकि आपको अपने बच्चे को समूह में भोजन करने के लिए भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसी और भी समस्याएं हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों में खाना खाने की समस्याएं पैदा करती हैं। चलिए देखते हैं एक सहयोगी, जिसे हम सामाजिक संपर्क के माध्यम से जानते हैं। सामाजिक संपर्क की कमी भी मुख्य लक्षणों में से एक है, क्योंकि वे वयस्कों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते। वे समूह में या परिवार के सभी सदस्यों के साथ या स्कूल में भोजन करना पसंद नहीं करते। इसके अलावा वे अन्य बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में सहज नहीं होते हैं। ये कुछ संवेदनशील तनावों के कारण भी हो सकते हैं। वे खाने का भोजन सूची पसंद नहीं करते। जिस तरह खाने को मिलाया और परोसा गया है, खाने की गंध कैसी है, ये सभी तनाव के कारण हो सकते हैं। फिर दिनचर्या, हम जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करना पसंद करते हैं। अगर आप एक बहुत ही संतुलित दिनचर्या का पालन कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। हर दिन एक ही समय पर उनके भोजन की व्यवस्था करें, ताकि वे उसे समझें। अगला, मेरे भोजन का समय होने वाला है, इसीलिए जब उसमें देरी होगी तो वे बेचैन हो जाते हैं। एक सा तरीका होना चाहिए। जब तरीका बदलेगा तब भी उन्हें बेचैनी होगी, इसीलिए कमरे को उस तरह से व्यवस्थित करना पड़ता है कि उन्हें मालूम पड़ता है कि प्लेट को एक विशेष स्थान पर ही होना चाहिए, ग्लास भी एक विशेष स्थान पर होना चाहिए। हम उनके व्यवहार को बदल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में एक बेहतर खाना खाने का समय बनाएं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। कम्युनिकेशन, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बातचीत भी एक बड़ी चुनौती है। वह तब होता है जब वह बोल नहीं पाते हैं और यह नहीं बता पाते हैं कि उन्हें कितना चाहिए, क्या वे अतिरिक्त भोजन चाहते हैं, या उन्हें खाना पसंद है, या भोजन करने में उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है। उस समय हमें उनसे किस प्रकार का संवाद स्थापित करना होगा, ताकि वे जो चाहें बता सकें और अपने भोजन का आनंद ले सकें। सुरक्षा, सुरक्षा आपके बच्चे के लिए भी चिंता का विषय है। जब बच्चा सब कुछ मुंह से करने की कोशिश करता है तो यह ध्यान देने की बात है। ऐसे बच्चे जो रबर बैंड और इस तरह की चीजों को चबाते हैं और निगलते हैं, उनके प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए, जिससे वे अखाद्य वस्तुओं को खा या निगल ना पाएं। आप इसे जितना जल्दी देख लें अच्छा है। खाना पका होना भी बहुत जरूरी है। यह अच्छी तरह से आपके बच्चे की जरूरत के अनुसार पकाया गया हो, लेकिन इसे अधपका या ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों को सब्जियाँ आधा पका हुआ खाना बहुत पसंद होता है। कुछ बच्चों को खाना अच्छी तरह से पकाया जाना पसंद होता है, ताकि वे उसे मैश करके खा सकें। ऑटिस्टिक बच्चों में खाने की समस्या के व्यवहारिक कारण भी होते हैं, जैसे मौखिक मोटर के मुद्दे। इसका मतलब यह है
कि उन्हें पूरा खाना जबरदस्ती खिलाया जाता है, क्योंकि माता पिता को यह नहीं पता होता कि उनके बच्चे को क्या समस्याएं हैं और वे उस सेंसरी समस्या के साथ तालमेल बिठाने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चा उत्तेजित होने लगता है और वह इस उत्तेजना के कारण खाना खाने से परहेज करता है। भोजन शब्द ही आपके बच्चे को विचलित कर सकता है और कभी कभी कोई बच्चा भोजन के समय को अतीत में हुए किसी अनुभव से जोड़ सकता है उस बच्चे के साथ जो हमेशा उल्टी करता है। जब वह खाना खाता है तो वह भोजन को उल्टी से जोड़ता है और खाना पसंद नहीं करता। इन मामलों में हम मनोवैज्ञानिक और फीडिंग थेरेपी टीम के साथ चर्चा कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। आइए अब इन खाने की समस्याओं से निपटने के लिए आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। आइए पहले हम भोजन के समय को आसान बनाएं। भोजन के समय आप क्या कर सकते हैं? बलपूर्वक खिलाने के बजाय आप अपने बच्चे को धीरे धीरे खाना खिला सकते हैं। आप अपने बच्चे को समझ सकते हैं, अपने बच्चे के भोजन के मुद्दों को भी समझ सकते हैं। इसीलिए विशेषज्ञों से बात करें और फिर पता करें कि क्या किया जा सकता है और उसके अनुसार कार्य करें, ताकि आपके भोजन का समय आपके बच्चे और आपके लिए अधिक सुखद हो। आप भोजन के समय एक साथ बैठें, यानी परिवार के साथ भोजन करने वाला समय हमेशा अच्छा होता है। प्रारंभ में ऑटिस्टिक बच्चा परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठने में सहज नहीं हो सकता है। धीरे धीरे संबंधित विशेषज्ञों की मदद से आप उसे धीरे धीरे परिवार के भोजन में शामिल कर सकते हैं। वह अनुकरण के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे वह भोजन परोसना सीखते हैं, वे सीखते हैं कि लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, कैसे वे उचित तरीके से खा रहे हैं, बिना छलकाए भोजन कैसे करते हैं। तो बच्चे ये नकल के माध्यम से पारिवारिक भोजन के दौरान सीखते हैं और उनकी बैठने की मुद्रा में बहुत अंतर आता है। तो पता करें कि सही मुद्रा बनाए रखने में आपके बच्चे को क्या समस्या है। उचित बैठने की व्यवस्था करें और भोजन के समय का आनंद लेने में उनकी मदद करें। भोजन के लिए समय निर्धारित करें और उसे ना बदलें। आपको प्रतिदिन भोजन के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा, यानी अगर आपने 10 बजे नाश्ता देने का फैसला किया है तो आपको हर दिन कोशिश करनी होगी कि उसे 10 बजे नाश्ता दें। एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच 2.5 घंटे का ब्रेक दिया जाना चाहिए। बच्चे में पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए माता पिता अपने बच्चे को खिलाते रहें यह एक गलत तरीका है। हमें अपने बच्चे में खान पान की अच्छी आदत डालनी चाहिए, इसीलिए 2.5 घंटे में उनके लिए भोजन के समय की योजना बनानी चाहिए। भोजन के दौरान दिखाए गए उनके चुनौतीपूर्ण व्यवहार को नजरअंदाज ना करें, जैसे कि बच्चा नापसंद दिखा रहा हो, भाग रहा हो, या कि एक जगह पर नहीं बैठ रहा हो, या खाना गिरा रहा हो, तो आप अपने बच्चे पर अतिरिक्त प्रतिक्रिया किए बिना भोजन के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हम कैसे भोजन कर सकते हैं, खाना कितना स्वादिष्ट होता है, खाने का रंग क्या होता है, और उस भोजन के बारे में जो उसने पहले अपने पसंदीदा भोजन के रूप में खाया था। अपने बच्चे के साथ एक जिम्मेदार फीडिंग संवाद स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस जिम्मेदारी युक्त फीडिंग के दौरान आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। बच्चे की आंखों में देखकर, संकेतों को देखकर सीख सकता है। बच्चे की पूर्ण संकेतों से आप जान सकें कि उस समय आपका बच्चा भूखा है या नहीं है। इसीलिए जब आप अपने बच्चे के साथ भोजन के बारे में बात करते रहते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है और आपके बच्चे को भोजन, भोजन के स्वाद, भोजन की बनावट के बारे में भी पता चलता है। माँ या देखभाल करने वाले व्यक्ति और बच्चे के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है और हमें बच्चों से भूख लगने और पेट भरने के बहुत संकेत मिल सकते हैं। यानी जब बच्चा बोलता है तो वह बता पाता है कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन जब आपका बच्चा बोलने में सक्षम नहीं होता तो वह संवाद करने में भी सहज नहीं होता। जब आपके बच्चे के पास संचार के उचित साधनों की कमी होती है तो आपको खुद पता लगाना होता है। आपको अपने बच्चे के व्यवहार से यह पता लगाना होता है कि आपका बच्चा भूखा है या उसका पेट भरा हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं भूख के संकेतों पर। बच्चा भले ही छोटा क्यों ना हो, बच्चा सहमता है, खांसता है या कुछ शोर करता है, माँ के चारों ओर घूमता है, बच्चा रोता है या उधम मचाता है,
कभी कभी यह एक बड़ा बच्चा भी हो सकता है जो एक प्लेट लेता है और माँ के पास आता है या भोजन की मेज के पास आकर बैठता है, तो यह सब संकेत है कि बच्चा भूखा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भूख के इन संकेतों को ना भूलें। यह आंतरिक भूख की अनुभूति ही है जो इन संकेतों को भेजती है, इसलिए हमें उन्हें समझना होगा। और पेट भरने का संकेत, जब बच्चा भोजन कर चुका होता है और इसे इसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती, तब भी उसे भोजन में कम रुचि होती है। वे जो कुछ उनके पास है उसे देखना शुरू कर देंगे, वे किसी और चीज के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और उनकी खाना खाने की गति कम हो जाएगी। और यह भी संकेत है कि आपके बच्चे का पेट भर गया है। जब कोई और प्रतिक्रिया नहीं होती है तो माता पिता में से कोई एक बर्तन में भोजन दिखाता है, तो माँ एक निवाला और दूसरा निवाला बोलकर बच्चे को खाने के लिए मजबूर करते हैं। जब बच्चे को ऐसा खाना दिया जाता है जो उसे पसंद नहीं है, तो उसे जबरदस्ती खिलाया जाता है। यहाँ भी कोई रिस्पॉन्सिव फीडिंग नहीं है। और यह भी कि जब आप अपने बच्चे के सामने कुछ खाना छोड़कर जा रहे हैं, तब बच्चे का भोजन के साथ जुड़ा कोई संवाद नहीं होता है, तो उस समय भी वह प्रतिक्रिया नहीं करता। वे कौन से तरीके हैं जिनसे वयस्क प्रतिक्रिया करते हैं और वापस खिलाते हैं? जब बच्चा खाना खा रहा हो तो बच्चे के साथ बैठी उसकी माँ बच्चे से इस बारे में बात करें कि खाना अच्छा है, यह बच्चा क्या खा रहा है, भोजन की बनावट और रंग क्या है। बच्चों की आंखों में देखें, हर खाने के बाद उसे पूछते रहें, ठीक है, क्या आप अगला निवाला लेंगे? आपने चबाना खत्म कर दिया है या चलो निगलना खत्म करें? ठीक है, चलो अगला निवाला लेते हैं, ताकि आप खाए जा रहे निवालों की संख्या गिन सकें। जब आप रिस्पॉन्सिव फीडिंग का अभ्यास कर रहे होते हैं तो एक मजबूत रिश्ता बनता है, या माँ बच्चे या माता पिता और बच्चे के बीच एक अच्छा संबंध बनता है। इससे बच्चे का स्वाभिमान बढ़ता है, यह बच्चे को अधिक स्वतंत्र और खुश बनाता है, और बच्चा भोजन के समय का बहुत आनंद लेता है। यह आपके बच्चे के समग्र व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। आप दोनों के बीच भी बहुत अधिक विश्वास बनता जाता है, खासकर जब आप अपने बच्चे की परिपूर्णता के संकेतों को समझते हैं। आपका बच्चा आपको उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिस पर वह भरोसा कर सकता है, और जब भी उसे कोई समस्या होती है तो वह आपको देखता है। जब आप उसे एक अच्छी जिम्मेदार तरीके से खिलाते हैं। खाना खिलाने के कई मुद्दे हैं और अक्सर उनके शारीरिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझने के लिए बाल रोग और आहार विशेषज्ञों की एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता होती है। अक्सर टीम में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक और एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट शामिल होते हैं, ताकि आप अपने और अपने बच्चे के भोजन के समय को मजेदार बना सकें। धन्यवाद।